हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 5 × 2 + 18 / 3 × 2 = how much। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या है और यहाँ पर इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या है, देखते हैं इसके करेक्ट आंसर और इसके ट्रिक्स। तो आइए इसका सोल्यूशन यहाँ पर निकालते हैं। ये रहे इसके ऑप्शंस, जो साइड में कर देता हूँ। और अपना क्वेश्चन है 5, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 5। यहाँ पर है 2 + 18 / 3 × 2। इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखते हैं कि इसका ऑप्शन ये 25 कहाँ से आया है, क्या ये आंसर बनता है। यहाँ पर ये 25 आंसर आने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, इसको 3 × 2, यहाँ पर 18 / 3 = 5, 5 only। अच्छा, इस तरह से किया गया, मतलब अगर हम सोल्यूशन को ऐसा कर दें, यहाँ पर 5, ये 2 प्लस देखो 3 × 2 = 6 और 18 / 6 कितना हो जाता है 3, तो ये 5 और यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर आ जाता है 25, बट इट इज़ रॉन्ग, ये करेक्ट नहीं है, इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसको देखिए, इसका जो करेक्ट सोल्यूशन होगा वो 5, फिर हो जाएगा यहाँ पर 2 + 18 और ये डिवाइड बाई 3 है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसका रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा 18 × 3 और ये 2 और ब्रैकेट को करते हैं क्लोज। इस तरह से इसका करेक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये 3 से यहाँ पर इसको कैंसिल कर देना है और यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर ये 2 + 6 × 1 × 2 = 12। अब यहाँ पर ये बनता है 5 2 + 12 = 14। अब यहाँ पर ब्रैकेट आया तो 5 × 14 कर देना है और इस तरह से ये बन जाता है 70 और 70 यहाँ पर ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट नहीं है, इसको भी क्रॉस आउट कर सकते हैं, यहाँ भी क्रॉस आउट कर सकते हैं, यहाँ भी क्रॉस आउट कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन है यहाँ पर बी। तो ऑप्शन बी को यहाँ लिखते हुए इसका सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं, ऑप्शन बी इज 70। और भी इसी टाइप के बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।